वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आसाराम के एक और झूठ का पर्दाफाश हुआ है। आज कोर्ट में सौंपी गई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम को कोई बीमारी नहीं है, उनकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। आसाराम ने न्यूरोलॉजिकल यानी दिमाग की समस्या बताकर बाहर के खाने, बिस्तर और गंगा जल मांगा था। जोधपुर कोर्ट में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के मुताबिक आसाराम पूरी तरह फिट हैं। कोर्ट कल सुनाएगा आसाराम की मांगों पर फैसला। हमारे साथ हमारे संवाददाता जोधपुर से ललित जुड़ गए हैं। ललित, एक के बाद एक तमाम झूठों का पर्दाफाश होता जा रहा है और अब तो आसाराम के पास कोई बहाना भी नहीं बचा है। जी, निश्चित तौर पर आसाराम के पास अब कोई बहाना नहीं बचा है। आखिरी जो मेडिकल रिपोर्ट थी जो कोर्ट ने गठन किया था मेडिकल बोर्ड का, उस रिपोर्ट में अब साफ हो चला है कि आसाराम को कोई बीमारी नहीं है। रिपोर्ट में जो टेस्ट कराया गया उस टेस्ट से साफ है कि आसाराम को कोई बीमारी नहीं है। जो परेशानी आसाराम बता रहे हैं वो उम्र के हिसाब से है, इस उम्र के हिसाब से ऐसी परेशानी आती है। मेडिकली कोई बीमारी आसाराम को नहीं है, झूठ बेनकाब हो चुका है और बाहर के खाने का रास्ता लगभग अब खत्म हो चुका है। यानी आसाराम को जेल का खाना ही खाना पड़ेगा। जी, निश्चित तौर पर आसाराम को जेल का ही खाना खाना पड़ेगा। जो सुविधाएं आसाराम ने मांगी, हालांकि उस पर कोर्ट फैसला कल सुनाएगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर फैसला हो रहा था और अब मेडिकल रिपोर्ट में साफ है कि आसाराम कोई बीमारी नहीं है, तो अब जो सुविधाएं मांगी थी उस पर उम्मीद कम ही की जा रही है आसाराम। चलिए, धन्यवाद ललित इस अपडेट के लिए। आसाराम को एक और झटका और